टॉपिक है, कोई आपसे बहुत प्यार करता है तो क्या है उस पर्सन के दिल के जज्बात, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। ओरेकल में से 7 मैसेजेस लेंगे और टैरो में से 6 कार्ड। पहला ही कार्ड है किंग ऑफ सॉर्ड्स का, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। इस पर्सन को आपकी बातें बहुत ज्यादा पसंद है। जैसे यहाँ पे इस पर्सन के हाथ में सॉर्ड है जिसका नुकीला सिरा बहुत ज्यादा चमक रहा है, तो इन्हीं शायद आपके बातों में एक शार्पनेस नजर आता है। यानी कि जैसे यहाँ पे छोटा सा डॉग है, दो डॉग है, तो उन्हें लगता है कि आप उनके लिए बहुत ज्यादा लॉयल है। यानी कि आपकी हर एक बात से वो समझ जाते हैं कि आपके दिलो दिमाग में इस पर्सन के लिए एक बहुत स्पेसिफिक खास जगह है, और जो भी एहसास आपकी तरफ से उन्हें फील होते हैं उससे वो समझ जाते हैं कि इनकी जो इम्पोर्टेंस है आपकी ज़िंदगी में वो बहुत ज़्यादा है। और ये खुद को बहुत ज़्यादा लकी समझते हैं कि कोई तो है जो मुझे इस तरह से चाहता है या चाहती है, जो मेरे लिए इतना ज़्यादा लॉयल है कि उसकी ज़िंदगी में मेरे अलावा और किसी की भी इम्पोर्टेंस नहीं है एज अ स्पेशल समवन। तो शायद बातें बहुत ज़्यादा इन्हें पसंद है आपकी, ये भी एक वजह है कि वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। और क्लैरिटी भी उन्हें मिल जाती है कि आपके दिल में उनके लिए एग्जैक्टली क्या जज्बात है। तो कोई भी किसी को भी मतलब ये बात तो अच्छी लगती है कि कोई हमें सच्चे दिल से प्यार करता है, और क्यों ना हो। जब प्यार में सच्चाई होती है तो उस रिश्ते को एक इम्पोर्टेंस देने लगता ही है इंसान, वैसे ही ये पर्सन भी आपको और इस रिश्ते को भी इसलिए इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा देते हैं। फिर है फोर ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। जैसे यहाँ पे ग्रीन कलर काफ़ी ज़्यादा है जो रिप्रेजेंट करता है हार्ट चक्र को, ये डेक भी चक्र ओरेकल है, तो उनके दिल में काफ़ी ज़्यादा जज्बात वो फील करने लगते हैं जब भी बात आपकी होती है। जैसे यहाँ पे बटरफ्लाइज है जो रिप्रेजेंट करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन को, तो आपके प्यार ने कहीं ना कहीं इस पर्सन को बहुत हद ज़्यादा बदल दिया है। यानी कि पहले ये पर्सन शायद कुछ और थे, इतने ज़्यादा शायद इस प्यार पे, इन सब बातों पे ये यकीन करने वाले नहीं थे, लेकिन आपने उन्हें एहसास दिलाया है कि प्यार जैसा कुछ होता है और वो क्या मैजिक होता है, ये भी वो समझ चुके हैं आपकी वजह से, जिसकी वजह से आपके प्यार ने इन्हें बदल दिया है। और उस बदलाव को हर कोई नोटिस कर पाता है कि तुम तो पहले ऐसे नहीं थे, तुम तो बहुत ज़्यादा बदल चुके हो, क्या बात है। तो ऐसे शायद उनके फ्रेंड्स वगैरह भी उनको रिकग्नाइज करते हैं और ये पर्सन दिल ही दिल में मुस्कुराते हैं, उन्हें एहसास होता है कि आपके प्यार ने ही उन्हें इस तरह से बदल दिया। फिर है द चैरियट, ये कैंसर का कार्ड है, तो कर्क राशि हो सकती है आपकी या उनकी। तो आपके साथ जिंदगी का एक सफर हमेशा ये इमेजिन करते रहते हैं। जैसे यहाँ पे रेड कलर काफी ज्यादा है जो रिप्रेजेंट करता है उनके दिल के जज्बातों को, तो काफी ज्यादा जज्बात ही बन जाते हैं जब बात आपकी होती है, और पैशनेट तो ये फील करते ही है आपको लेके। जैसे यहाँ पे सब घोड़ा गाड़ी आगे बढ़ रही है, सब हॉर्स एक दूसरे से कनेक्टेड है क्योंकि ये गाड़ी से जुड़े हुए हैं, वैसे ही आपके पर्सन आपके साथ एक अटैचमेंट फील करते हैं, उन्हें एक बॉन्ड महसूस होता है आपके साथ। और जैसे कहते हैं ना कि कई कबार उनके शायद ख्याल ऐसे होते कि जो बेलगाम घोड़े की तरह आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं, जहाँ पे उन्हें लगता है कि आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं या इंतज़ार कर रही है, तो कई बार जज्बात आउट ऑफ कंट्रोल भी हो जाते हैं। मतलब उनके बस की बात नहीं होती उन जज्बातों को कंट्रोल कर पाना, इस तरह से वो आपके बारे में सोचते रहते या सोचती रहती है। फिर है किंग ऑफ कॉइंस, अर्थ साइन टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। उनकी मेन अब विश यही है जो आपसे उन्हें कनेक्ट कर दे। यानी कि जैसे यहाँ पे भी सभी तरह के फ्रूट्स वगैरह लगे हुए हैं, तो उन्हें एक विश फुलफिलमेंट का एहसास होता है जब भी बात आपकी होती है, और
अब उन्हें यही लगने लगा है कि आपको पाना बस अब यही शायद मेन उनकी कोई इम्पोर्टेंट विश बाकी रह गई है। बाकी सब तो ऊपर वाले ने शायद उनका कहा मान ही लिया है, जिस वजह से अब इस विश का पूरे होने का वो इंतजार कर रहे हैं। फिर है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स एयर साइन जेमिनी लिब्रा या फिर एक्वेरियस। काफी कुछ बातें वो आपके बारे में अपने लव वन के साथ डिस्कस करते रहते हैं, उनके फ्रेंड सर्कल में हो, उनके पेरेंट्स हो, उनके सिबलिंग्स हो। मतलब अगर उन्होंने घर में बता दिया है कि वो आपसे प्यार करते हैं, तो कुछ लोगों ने शायद घर में भी आइडिया दे दिया है कि वो आपके लिए क्या सोचते हैं या क्या सोचती हैं। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा वो बातचीत करते रहते हैं, ये ऐसा है, ये ऐसी है, उसको ये पसंद है, उसको ये पसंद नहीं। इस तरह से आपसे जुड़ी बातों का एहसास उनके दिलो दिमाग पे इस तरह से हावी रहता है कि वो अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनसे भी आपसे जुड़ी बातें डिस्कस करते रहते हैं, जिसकी वजह से शायद इनके जो कॉन्टैक्ट में लोग हैं वो भी जानते हैं कि ही और शी इज इन लव विद यू। फाइनल कार्ड है एट ऑफ सॉर्ड्स एयर साइन जेमिनी लिब्रा या फिर एक्वेरियस। जैसे यहाँ पे आईने में ये देख रही है, खुद को देखने की कोशिश कर रही है, उसको लग रहा है मिरर है, लेकिन यहाँ पे आंखों के ऊपर पट्टी बंधी नहीं है लेकिन मिरर में जरूर है। तो वैसे ही फ्यूचर को लेके थोड़ा सा कुछ उनके मन में डर है बातों को लेके, यानी कि आपके घर की तरफ से भी हो सकता है या फिर इस प्यार में कहीं कोई रुकावटें तो नहीं आएंगी ना, इस तरह का भी डर उन्हें सताता रहता है जब भी वो फ्यूचर को लेके सोचते रहते हैं। देखते बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। कहते हैं ना, जब कोई सच्चे दिल से किसी से प्यार करने लगता है तो थोड़ा सा डर मन में बैठ जाता है कि सब ठीक तो हो जाएगा ना, या फिर उस पर्सन को खोना नहीं चाहते हम किसी भी हालत में। तो ऐसी ही हालत हो रही है इस पर्सन की, जिसकी वजह से ये आपको खोने से डरने लगे हैं और इस तरह से आपके बारे में शायद ये दिन रात सोचने भी लगे हैं। You can make me smile even when I'm sad. तो उन्हें लगता है जब भी वो उदास हो जाते हैं, थोड़ा सा दिल को उनके किसी बात की वजह से अगर तकलीफ होने लगती है, तो आप ही है जो उनके चेहरे पे वो मुस्कान वापस लाते हैं या लाती हैं, जिसकी उन्हें उस वक्त सख्त जरूरत होती है। तो ऐसा पर्सन तो किसी के लिए भी खास होगा ही, जो हमें सैडनेस से हैप्पीनेस की तरफ ले जाए। और आपके अंदर वो बात है कि आप हमेशा उनके दर्द को साइड में ले जाते हैं अपने प्यार के जज्बातों से, और ये बात उन्हें आप में बहुत ज़्यादा खास लगती है। यू चेरिश अवर रिलेशनशिप, तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे इस पर्सन के लिए आप दोनों के इस रिश्ते के इम्पोर्टेंस है, वैसे ही आपके दिल में भी इस रिलेशनशिप के ढेर सारे इम्पोर्टेंस है, और आप हमेशा अपनी तरफ से बेस्ट देते हैं या देती है, जिसकी वजह से आप दोनों को भी इस रिश्ते में एक नया एहसास फील हो। नेक्स्ट है आई लव द म्यूजिक इन योर वॉइस। तो जैसा कि पहले ही कार्ड में हमने देखा, इस पर्सन को आपकी बातें बहुत ज्यादा पसंद है, आपका बातचीत करने का अंदाज हो, आपकी आवाज तो इन्हें पसंद है ही, लेकिन जिस तरह से भी आप अपने दिल के जज्बात उनके सामने रखते हैं या रखती है, वो बात भी इन्हें बहुत ज्यादा खास लगती है। जैसे वो किसी सुरीली धुन में खो जाते हैं जब भी वो आपकी बातें सुनते हैं। तो काफी ज्यादा रोमांटिकली ये शायद आपके बारे में सोचते रहते हैं, जिसकी वजह से ये इस तरह से डे मी नेचर में आपके बारे में सोचते रहते हैं। नेक्स्ट है आई लव यू फॉर बीइंग वेरी अफेक्शनेट। तो उन्हें आपकी तरफ से जो भी प्यार मिला है, वो प्यार ये बयां नहीं कर सकते कि इनके लिए सच में क्या मायने रखता है। आपने जिस तरह से भी इस पर्सन को एहसास दिलाया है कि आप उनसे कितना ज्यादा प्यार करती हैं या करते हैं, उस प्यार की वजह से ये इस तरह के एहसास में अब खुद को फील करने लगे हैं कि वो प्यार ही अब इनके लिए सब कुछ बन चुका है। यानी कि अब ये सोच भी नहीं सकते कि आपका प्यार इनकी जिंदगी से साइड में हो जाएगा, तो ये पता नहीं क्या करेंगे या क्या करेंगी।
यू हैव एन अमेजिंग स्माइल। तो आपकी स्माइल पे ये पर्सन काफी ज्यादा फिदा है, आपकी मुस्कुराहट इन्हें बहुत ज्यादा पसंद है और शायद उस मुस्कुराहट की वजह से ही ये समझ पाते हैं कि आपका दिल कितना खुश हो जाता है जब भी आप दोनों एक दूसरे को देखते हैं। सिंपली लव यू। तो ज्यादा कुछ तो ये यहाँ पे कह नहीं पा रहे हैं क्योंकि शायद इस तरह से आपसे प्यार बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन उन्हें बस इतना पता है कि वो आपसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। बस प्यार करते हैं, क्यों करते हैं, क्या करते हैं, ये वो ही जाने। नेक्स्ट है यू आर द लाइट ऑफ माई लाइफ। तो उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी जिंदगी जैसे अंधेरे में कहीं खो गई थी, या फिर आपके बिना जैसे वो जिंदगी मतलब सिर्फ और सिर्फ डार्कनेस है, लेकिन आपकी स्माइल हो, आपका अंदाज हो, आप उनकी जिंदगी की एक ऐसी लाइट है जिसकी वजह से ये अपनी खुशियों को शायद ढूंढ पाए हैं या उन्हें वो सब खुशियां मिली है। तो आपको अपनी जिंदगी की लाइट समझते हैं, यानी कि आपके बिना उनकी जिंदगी जो है वो सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है। इस तरह की इमेजिनेशन में ये पर्सन खुद को आपके साथ कनेक्ट कर चुके हैं। तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।